हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिनेश सर आईटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में आईटी के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं और ये 25 जून तक चलने वाले हैं। अब कुछ आवेदक हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो फॉर्म भरा हुआ था लेकिन उसमें कुछ गलती कर दी थी, अपना नाम गलत डाल दिया, स्पेलिंग गलत डाल दी, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, या जो भी कुछ अपना गलत डाल दिया। तो आप अब उसको जो आपने गलत डाला हुआ उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए तो आप लोगों से हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप सभी लोगों को इससे संबंधित इंफॉर्मेशन है या जानकारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे आ जाना है, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे आप DSG, यहाँ पे लिखोगे आप DSG पोर्टल। जैसे आप लिखोगे, इसका जो मेन पेज है हमारे सामने जाएगा, डायरेक्ट स्किल ऑफ डेवलपमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, इसका होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है प्रवेश पे, प्रवेश पे जैसे जाते हैं आपको जाना पड़ेगा प्रवेश रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे आप लोगों का जो आपका पहले से आप लोगों को मिला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर क्लिक करना है, और आपके जो पासवर्ड मिला हुआ उस पर क्लिक करना है। अभी आप ये बोलोगे सर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से कहाँ मिलता है? तो आपके जो जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा इस पोर्टल पर, आपके जो ईमेल आईडी होगी उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड पहुँच गया होगा, ये आपके मोबाइल के मैसेज में आ गया होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। अब जिन लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको एडिट करना है, संशोधित करना है, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड में डाल लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लॉगिन करके बता देता हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे सामने ये दिख रहा है हमको एडिट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो फिर आपको जो भी आपको एडिट करनी है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। आप यहाँ पे देखिए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है, बेसिक डिटेल नहीं, मुझे मेरा क्या नाम में इसमें गलती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप नाम को एडिट कर सकते हैं। ठीक, क्लिक करेंगे आपका नाम यहाँ पे एडिट हो जाएगा। दूसरा है आपका मान लो फादर्स नेम में एडिट करना है, या आपके मदर्स नेम में एडिट करना है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में एडिट करना है, आप कर सकते हैं। या आपका मान लो जो डेट अदर डिटेल्स है, आपकी समग्र आईडी हुई, या आधार नंबर हुआ, ठीक है, या आप कैटेगरी है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है, या इस कैटेगरी में प्रमाण पत्र को गलती हुई है तो वो यहाँ पे आप लोग पूरा देख लें आप लोग कहाँ पे करना है। ठीक है, इसके पश्चात आपका जो एड्रेस है वो भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस में कि आपको कोई गलती नहीं डाला आप लोगों ने, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो बात कर लेता हूँ, यदि आपने क्वालिफिकेशन गलती डाली हुई है तो आप इसमें क्वालिफिकेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे बता दूँ, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में एडिट यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑडिट का, और ना ही ये होने वाली है। ठीक है, तो जिन बच्चों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता था, कुछ गलती हो गई हो, तो उनके लिए एक मेरी यही है कि आप लोग अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग फॉर्म आपको देख के भरें। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या तो आपको जीमेल आईडी आपको चेंज करना पड़ेगी, या आपका मोबाइल नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बाकी इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी जैसे ही आप लोगों को बाकी और लोग आप जो अदर जानकारी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद चाहे आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे और इसका जो पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पे 50 रुपये करना होगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन थी आज की, ताकि जो बच्चे जिन्होंने कुछ कुछ ना कुछ किसी कारण से यहाँ पे गलती से फॉर्म भर दिया है और तो उसका जो गलती से भरा गया है, तो कहीं ना कहीं वो एडिट कर सकते हैं। और बाकी आप लोग जो नए बच्चे हैं, जो नए आवेदक हैं, कोई यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग सबमिट करें, तो एक बार चेक कर लें अपने जो 10वीं के आधार पर जो आपने फॉर्म जानकारी भरी है, और आपको 10वीं के आधार पर यहाँ पे फिल करना है, ताकि जो आप साइंस शाम जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें आपके 10वीं के अनुसार ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह आपका नाम, पिता का नाम, वो आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो आप लोग सही जानकारी भरें, ताकि आप लोग रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो सके। और जिन आवेदक अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किए तो वो चॉइस फिलिंग कर लें जाके, ताकि आप लोगों की जो मेरिट में वो नाम आ सके राउंड में, ताकि आप लोग फिर एडमिशन हो सके। चलिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।